हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो है रिगार्डिंग एक्ट 5.3.5, जिसमें है ब्लैक पैंथर बॉस। उससे समझ आता है कि स्किल चैंपियंस चाहिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्किल के टॉप चैंपियंस रख लिए हैं। एंड आई एम थिंकिंग बॉस के लिए सिम्बियोट सुप्रीम ले जाता हूँ, क्योंकि या एक बार नज़र मार लेते हैं कि क्या नोट्स आएंगे इसमें। लेट्स जस्ट सी कौन सा लेन भी लेना चाहिए हमें। पहला फाइट अगर हम यहाँ से जाएँ तो डोरमामू है, एंड देन वी हैव स्पाइडी, दिस गाय वॉर मशीन, रॉनन। क्या कुछ खास नोड्स हैं? कॉर्नर्ड का नोड है गाइज यहाँ पे, तो हम इन्हें डैमेज ओवर टाइम नहीं दे सकते। फिर आता है ये वाला पाथ, तो लेट्स जस्ट अवॉइड दिस पाथ क्योंकि कॉर्नर्ड है। आई थिंक ये वाला है पाथ जिसमें कोई भी स्पेशल नोड नहीं है। और इसमें पहली फाइट रॉकेट रकून, जेन फॉस्टर की आती है, देन हमें आर्च एंजल वाले साइड जाना पड़ेगा, कोई नोड नहीं है। और फिर यहाँ पे भी कोई नोड नहीं है, पर इसके बाद ये आ जाता है नोड स्पाइक डामर का, जो अनोइंग है। उससे अच्छा हम ले सकते हैं वल्चर वाला पाथ, किंग रूट, आपका फिर वेनम, एंड देन इफ वी गो हियर, हाँ कोई खास नोड नहीं है, बल्कि तीन चार फाइट, पांच यहाँ पे, छः सात आठ, भाई बहुत फाइट्स हैं इस चैप्टर में। तो अगर मैं देखूँ मेरा रोस्टर क्या है, सही लग रहा है रोस्टर। आई थिंक ट्राई करते हैं एगोन के चार्जेस बिल्ड करने के लिए, एंड लेट्स सी एगोन से हम कितने मार सकते हैं आज। ओके, तो वही है, ऑल चैंपियंस क्लासेस बट स्किल रिड्यूस देयर बेस अटैक, सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट फाइट गाइस। रॉकेट रकून इज वेरी सिंपल, बस पैरी करके अपना डैमेज देना है, पर बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहा हूँ मैं उससे। ब्लॉक पे भी पैरी टाइमिंग ख़राब कर रहा हूँ क्या मैं? इसका स्पेशल वन वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशल टू अगर हल्का सा भी लग गया बहुत बुरी हालत हो जाती है। वेट क्यों नहीं कर रहा मैं? 17 का कॉम्बो मीटर आ गया मेरा, कोई नहीं, थोड़े बहुत हेल्थ पॉट डालने पड़ेंगे, डाल लेंगे। 26 का आ गया है, अब स्पेशल वन पे है वो। आई थिंक स्पेशल टू देख ही राजी होगा, तो स्पेशल टू ही वेट करते हैं क्योंकि काफ़ी आगे तक पहुंचा दिया मैंने उसे स्पेशल टू के। बॉम्ब फेंका उसने, मैंने डेक्स कर लिया, नाउ पीछे भाग रहा था तो आई वेंट आफ्टर हिम। लेट्स वेट हिज स्पेशल वन नाउ, वेरी सिंपल पर आपको लग सकती है, ध्यान रखिएगा थोड़ा दूर रहिए उससे। तीन हिट होते हैं इसके स्पेशल वन में। आई थिंक मैंने उसको स्पेशल टू पे फेंक दिया, कोई नहीं, स्पेशल टू भी बहुत इजी है वेट करना। अगर आपसे स्पेशल वन नहीं हो रहा तो स्पेशल टू ही वेट करें। 53 का कॉम्बो मीटर आ गया मेरा, और वो 10, 11, 6, 7% पे ब्लॉक पे मारे, ब्लॉक पे ही मार दिया उसको मैंने। अब मेरा ब्लीड वाला नोट तो लगा ही हुआ था गाइज उस पे। नेक्स्ट फाइट चलती है ये थॉर जेन फॉस्टर की गाइज, ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रही। अगेन आई विल टेक एगॉन, 35 का कॉम्बो मीटर है अभी मेरा, ट्राइंग टू इंक्रीज दैट काउंटर नाउ। 100 तक का काउंटर हो जाएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इसी फाइट में। इसका स्पेशल टू इवेट करना ज़्यादा आसान है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि स्पेशल टू पे फेंकूँ इसे। फेंक दिया, नाउ लेट्स इवेट हर, हाँ क्योंकि वरना स्पेशल वन में इसका प्रोजेक्टाइल आता है गाइस, जो थोड़ा अनोइंग हो जाता है, कभी कभी इवेट नहीं होता। अगेन आई हैव थ्रोन हर टू स्पेशल टू, ब्लॉक डैमेज देते हैं, क्रिटिकल भी आना शुरू हो गया है। गुड पैरी,
block damage. Oh, that was well dexed. Now एक अच्छा सा intercept लिया मैंने special two and she's over. तो इस वाले कॉम्बो मीटर में मेरे जुड़ेंगे 66 या 36 और हिट्स जुड़ जाएंगे गाइज, तो आई विल बी एट अराउंड 70 का कॉम्बो मीटर. अब फिर से ध्यान देते हैं कहाँ जाना है. हमें जाना है आर्च एंजल की तरफ. आप देख रहे हैं मैं 3 स्किल चैंपियन लाया हूँ अपनी टीम में. रैंक 4 स्टार निक फ्यूरी, ब्लैक विडो एंड एगॉन 4 स्टार मैक्सड आउट. 74 का कॉम्बो मीटर चल रहा है मेरा. इसकी भी आर्च एंजल की भी कोशिश मैं यही करूंगा कि उसको स्पेशल 2 पे फेंकूं और आई हैव डन दैट एग्जैक्टली. ये स्पेशल देना नहीं चाहता, कोई नहीं दे देगा, दे दिया. लेट्स अटैक इनटू हिम, गिव हिम आवर स्पेशल 2. ये मैं ब्लॉक करना बेटर समझा इसका, स्पेशल 1. कभी कभी मिस हो जाता है तो कॉम्बो मीटर मेरा खराब हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे. आई हैव थ्रोन हिम इनटू हिज स्पेशल 2. अब कोशिश रहेगी कि इसको स्पेशल से ही अपने मार दें, और जो मैंने कर दिया. अब मेरा हेल्थ भी 50% से कम हो गया है, तो मेरा करेज का जो मास्टरी है दैट विल गेट एक्टिवेटेड और मेरा अटैक वैल्यू विल इंक्रीज बाय 30%. नाउ अब चलते हैं हम फल्चर की तरफ. इस वाले क्वेस्ट में काफ़ी फाइट्स हैं गाइस, थोड़ा सा अनोइंग क्वेस्ट है, पर कोई नहीं. मैं को खेले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैं काफ़ी कॉन्टेंट मैंने नहीं किया है. 112 का कॉम्बो मीटर हो गया मेरा, जो अब मेरे को धीरे धीरे कंप्लीट करना है गाइस. आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं रोज़ का एक वीडियो डालूं, नहीं डाल पाऊंगा तो माफ़ी चाहता हूं गाइस. इसका स्पेशल 1 एवेट करते हैं गाइस, इसको ब्लॉक हिट देते हैं थोड़ा सा. हाँ, उसने दे दिया स्पेशल 1, दैट्स गुड. फिर से स्पेशल 1 पे आया, फिर से दे दिया इसने, दैट्स अमेजिंग. ओके, और अपना स्पेशल 2 देते हैं ऐसे. ब्लीड कितना डैमेज आएगा देखते हैं. 944 का पर टिक. मेरे पास डीप वूंस मास्टरी नहीं है बेबी अकाउंट में, तो ट्राइंग टू इवेड स्पेशल 1 गाइस, पर वो अब देगा जब एक हिट खाने के बाद. एंड वल्चर्स डाउन इन 40 समथिंग हिट्स, और मेरा कॉम्बो मीटर बढ़े ही जा रहा है. एंड नज़र नहीं लगाना चाहता मैं, बट नेक्स्ट फाइट भी मैं शायद एगॉन से निकाल दूं. अच्छा स्ट्रीक चल रहा है आज मेरा, हिट नहीं लिया मैंने अनलाइक द लास्ट फ्यू वीडियोस जिसमें मैं काफ़ी पिटा हूं. मेरा नया फ़ोन आ गया गाइज, ROG फ़ोन 3, जो बहुत ही बढ़िया है एंड आई एम एंजॉइंग यूजिंग इट. सो या आई थिंक पहले वाले फ़ोन में तो दिक्कत नहीं थी. आज कब हमने मेंटेनेंस किया है 4 घंटे का, तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा गेम इम्प्रूव हुआ है. पर सुबह मेरे को परसिस्टेंट चार्जेस दिख नहीं रहे थे एंड आई वॉज अ लिटिल वरीड, क्योंकि मैं अपना अबेस का रन शुरू करना चाहता हूँ, जो मेरे को मौका मिल नहीं रहा. अब कोशिश करते हैं एक बैक ड्राफ्ट इंटरसेप्ट की, जो कर लिया मैंने. एक थोड़ा ब्लॉक डैमेज देते हैं इसे, कम ऑन, गिव योर स्पेशल. ऐसे ही मर जाएगा, स्पेशल 3 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस. अमेजिंग जॉब बाय एगॉन, 43 हिट्स एंड दिस गाय किंग रूट इज नाउ. नेक्स्ट फाइट आती है बॉयज वेनम की, जिसके लिए मैं फिर से इसको ही लेके जाऊंगा एगॉन को. मर गया तो कोई नहीं, आई विल अप्लाई अ रिवाइव. मेरे पास बहुत रिवाइव पड़े हैं जो हमेशा ही एक्सपायर हो रहे हैं, क्योंकि मैं कंटेंट कर नहीं पा रहा ज़्यादा. इस महीने मैंने अनकलेक्टेड 100% किया, 50% भी नहीं किया. दैट इज़ वेरी सैड ऑन माई एंड. कर लेना चाहिए था मुझे थोड़ा बहुत, बट अ
अगर मेरे पास टाइम परमिट करेगा आई विल बी डूइंग अनकलेक्टेड 100% जो अभी मैंने किया नहीं है। ब्लॉक पे दो एक डैमेज, ट्राई टू इवेड है स्पेशल वन, स्पेशल टू तो बहुत मुश्किल है इसका इवेड करना, तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू पुश हिम देयर। हाँ जी, मान गया वो स्पेशल वन देने के लिए, फिर से दे रहा है, वेरी नाइस, गिव हिम माई स्पेशल टू। और अब देखते हैं ब्लीड का कितना डैमेज आता है, 944 का, और मैं मर गया, उसने हैवी दे दिया मुझे। ओह दैट वाज सैड गाइस। कोई नहीं, एक रिवाइव लगाते हैं इस पे, इंस्टेंट देता है यार वो, नहीं इंस्टेंट सा होता है इसका, एकदम हैवी। तो देखना रह गया मेरा, 160 का कॉम्बो मीटर है, एकदम से आया और पता भी नहीं चला कब गेम खत्म हो गया। देखो अपना फिर से, अब कॉम्बो मीटर थोड़ा सा बढ़ाना है, अब तो 110% से नीचे है, ये मर जाना चाहिए आराम से, और मर गया वेनम। कोई नहीं, एक रिवाइव पे वेनम को मार दिया, 19 हिट और ले लिए मैंने अपने कॉम्बो मीटर में कॉम्बो के। अभी आई थिंक 5 या 6 दिन बचे हैं अलायंस वॉर सीज़न ख़त्म होने का, उसके बाद मैंने अपनी मेल अलायंस में हफ्ते की छुट्टी मांगी है जिसमें मैं करूँगा अबेस। आप लोग बताओ मेरे को क्या लाइव करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, आपसे सजेशन लेना चाहूँगा मैं। लाइव करूँगा तो शायद 1 या 1.5 घंटे के से ज़्यादा का रन नहीं बना पाऊँगा मैं किसी भी दिन, और मतलब वैसे भी मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा खेलूँगा नहीं, सो दैट्स अ थिंग। पता नहीं मेरे को 4 या 5 दिन लग जाएंगे अब इस करने में आई गैस। ओके, मेरा कॉम्बो मीटर इज एट 200 अराउंड, ऐसे ही टेनेस्टी एक्टिव है, 14% पे कर दिया है मेरे को योंडू ने। कोई नहीं, मेरे पास काफ़ी लव जूसेस बचे हैं गाइस, अगर आपने यूज़ नहीं करें तो ये महीना सही रहेगा लव जूसेस यूज़ करने का, वरना वो एक्सपायर हो जाएंगे, और अगर एक्सपायर हो गए देन देयर बी ऑफ नो यूज़। नेक्स्ट फाइट आती है अनस्टॉपेबल कलोसस की, जिसके लिए मैं लेके जाऊँगा ह्यूमन टॉर्च, इवन दो उसका क्लास डिसएडवांटेज है इन टर्म्स कि स्किल नहीं है ये चैम्पियन, बट स्टिल ही इज़ वेरी डेडली। बस पैरी मीडियम लाइट मीडियम करते हैं मिस्टिक चैम्पियंस के अगेंस्ट, स्मोल्डर तक पहुंचने तक। उसका स्पेशल 2 आ गया है रेडी, नाउ आई हैव टू वेट कि उसका अनस्टॉपेबल ख़त्म हो, और मीडियम लाइट मीडियम अगेन, मीडियम लाइट मीडियम अगेन, एक और मिल जाए पैरी तो मज़ा आ जाएगा। मीडियम लाइट मीडियम एंड स्पेशल 2, अब करेंगे मीडियम 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 लाइट मीडियम एंड रन बैक। आई थिंक ही शुड डाई, खुद ही मर गया। तो 94% पे ह्यूमन टॉर्च है, काफ़ी अच्छा फाइट रहा गाइस ये। नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं जो है दिस सिविल वॉरियर, जिसके लिए अब लेके जाते हैं हम ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन, उसको भी यूज़ कर लेते हैं थोड़ा, इसका भी स्पेशल 2 बहुत ख़तरनाक है, ये तो 100% अटैक पे रहेगी। सिविल वॉरियर का जैसे आप जानते हैं दोनों ही स्पेशल इजी हैं एवेड करना, स्पेशल 1 इज़ वे ईजियर क्योंकि वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। ओके हैवी, स्पेशल 2 एंड ही शुड डाई एंड ही इज डेड। ब्लैक विडो की यही खासियत है, रैंक 4 पे अभी मेरी, ये बहुत अच्छा डैमेज देती है, और अगर आप कैवेलियर हैं तो कैवेलियर डिफिकल्टी के लिए शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स। आई थिंक एल्सा ब्लडस्टोन है और ये भी बहुत अच्छी काउंटर है। नेक्स्ट फाइट आती है आयरन फिस्ट की, जिसके लिए लेके जाऊंगा मैं ह्यूमन टॉर्च अगेन। जिस जिस के काउंटर आपके पास पड़े हैं उनके लिए काउंटर यूज़ करना बेटर है गाइज, तो वही कोशिश है
इसके भी दोनों स्पेशल इजी हैं इवेड करना, सो वुड नॉट बी मच ऑफ अ ट्रबल। पैरी मीडियम लाइक मीडियम ही रख रहा हूँ मैं कॉम्बो। स्मोल्डर भी आ गया, अब ही इज टेकन सम पावर स्टिंग। मीडियम लाइक मीडियम, मीडियम लाइक मीडियम, छह स्टिंग है, इसने अवॉइड कर दिया समहाउ। किस्मत अच्छी है इसकी। हैवी मीडियम लाइट मीडियम, तीन पावर स्टिंग है पर ऐसे ही मर गए। ह्यूमन टॉर्च का सिर्फ 10% हेल्थ लूज हुआ है अभी तक, बट या आई एम डूइंग वेल आई थिंक। काफ़ी ढंग से परफॉर्म किया मैंने अभी तक। नेक्स्ट फाइट आई कैन ईदर गो फॉर दीज टू गाइज और दीज साइक्लॉप्स जा सकता हूँ, पर इसका स्पेशल वन अवॉइड करना अनॉइंग है। इसका ईजी है, देन इसका थोड़ा सा मुश्किल है, एंड देन इसका ह्यूमन टॉर्च जवाब है मेरे पास। सो आई थिंक आई विल गो टूवर्ड्स हल्क बस्टर। दोनों ही ईजी पाथ हैं और इसको कोशिश करता हूँ मैं लेने की। एगॉन से एक लव जूस डाल देते हैं क्योंकि एगॉन का टेनेस्टी एक्टिव हो जाएगा गाइस, एंड ही विल बी एबल टू श्रग ऑफ एनी पॉइजन, सॉरी शॉक डैमेज विच हल्क बस्टर विल गिव। जैसे कि आप देख रहे हैं एक शॉक लगा मुझ पे, पर टेनेस्टी मेरी एक्टिव हो चुकी है। इसका भी स्पेशल वन इवेट करना इजी है, अनब्लॉकेबल होता है गाइस। ओ नो डैम, कोई नहीं, अब शेर के हाथ में मुंह डाल दिया है तो ब्लैक विडो ही लेके चलो। कोई नहीं, अब मैं एक और रिवाइव तो यूज़ नहीं करूँगा, कर भी सकता हूँ वैसे तो, बट आई जस्ट ट्राई टू कीप माय कंजम्पशन ऑफ रिवाइव्स एंड रिसोर्सेस टू अ मिनिमम। राजा भाई दे दे अपना, अरे राजी नहीं हो रहा भाई, ये तो स्पेशल वन देने के लिए। कोई नहीं, अब दे दिया उसने। ओ ओ आई थॉट मेरा स्पेशल, हाँ स्पेशल टू ही दिया मैंने इसे। ओ नो अनदर डेथ इन द नेम ऑफ ब्लैक विडो। ओ शिट, काफी गंदी हो गई परफॉर्मेंस गाइस। ह्यूमन टॉर्च टू द रेस्क्यू। मेरे दो घातक चैंपियन मर चुके हैं, कोई नहीं, आई होप ह्यूमन टॉर्च कैन रेस्क्यू मी हियर। मीडियम लाइट मीडियम, ओ नो वाओ, उसने बैक ड्राफ्ट इंटरसेप्ट दे दिया मुझे। आई थिंक ये वाला मैंने अवॉइड कर दिया। कोई नहीं गाइस, थोड़ा सा डैमेज ले चुका हूँ मैं, बट अभी भी आशा है कि मैं ये बॉस बूस्ट मार पाऊँ। थोड़ी गंदी परफॉर्मेंस रही है आज, पर बहुत ज़्यादा फाइट्स आई हैं इस वाली लेन में। इजी लेन था, आई थिंक इससे इजियर लेन भी होगा, बट मेरे को जनरली वो लेना नहीं था पाथ, क्योंकि मेरे पास जो भी चैंपियन सारे डैमेजिंग इफेक्ट्स देते हैं, और स्पाइक डार्मर का तो आई हेट द पार्ट। दो का उस पर लग गया, एक तीन और पावर स्टिंग देते हैं इसे। Doctor Strange is dead. That was a good fight. I enjoyed that. Human Torch के साथ next fight आती है Angela की, जिसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ Nick Fury ले जाऊँ। Nick Fury लेके चलते हैं, उसके बाद सीधा boss है। I can take Symbiote Supreme as well, कि काफ़ी buffs generate करती है और इसका regen का भी buff आता है एक, जो थोड़ा सा annoying है। इसके सारे buff नलिफाई करने के काम कौन आएगा, सिम्बियोट सुप्रीम।
ऑल्दो उसका डैमेज वीक है, बट आई थिंक इसका स्टैगरिंग इज अमेजिंग. दे दे भाई स्पेशल, क्या घर लेके जाएगी? चलो चलो कोई नहीं, मैं अपना स्पेशल 3 दूंगा और फिर इसको खत्म करूंगा. हाँ स्पेशल 3 ऑफ सिम्बियोट सुप्रीम सारे उसके बफ हटा देगा और अब ब्लीड डैमेज में डील करेंगे गाइस हम विद फ्यूरी. लेट्स सी, शी वाज कोऑपरेटिव इन गिविंग अ पैरी टू मी. 10 ब्लीड डाल दिए इस पे, अभी भी 10 पे है. नाउ आई एम एट स्पेशल 3 अगेन. 98% उसका भी आ जाएगा स्पेशल 3, पर कोई डरने की बात नहीं है. 5-10% का ही डैमेज लूंगा क्योंकि मेरा शील्ड आ जाएगा. मेरा आर्मर विल बी रियली स्ट्रांग टू टेक एनी स्पेशल 3. आई हैव टेकन द बिगेस्ट स्पेशल 3s विद सिम्बियोट सुप्रीम और आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 8% उसने मेरा हेल्थ कम किया. मैं उस पर 5 ब्लीड डाल चुका हूँ अभी तक. And she'll die in a jiffy. She's dead. Oh, that was a long fight. 53 hits. But now, finally, अब हम बॉस तक पहुंच गए. And बॉस पे देखते हैं हम कि क्या खास नोड है. क्योंकि हमने जो लेन ली है रॉकेट रकून वाली, उसमें कोई भी ऐसे कोई खास नोड नहीं था. It was a simple lane. Mystic Ward है ये कह रहा है. आई पहले ही पढ़ लेना चाहिए था. मेरा सिम्बियोट सुप्रीम का सपना तो सपना ही रह गया है. गेन्स फ्यूरी आर्मर अप हेल्थ एज लॉन्ग. ओके वाओ, चलो किससे शुरू करें? निक फ्यूरी से शुरू करते हैं. मेरे पास कोई डीप वुंड कोई असैसिन्स की मास्टरी है नहीं, बट लेट्स ट्राई विद निक फ्यूरी. कितना मार सकते हैं ऐसे हम? इसका आपको अगर पता है तो आर्मर अप बफ आते ही बहुत अनोइंग हो जाता है. इसको पैरी नहीं कर पाएंगे गाइस, और करना भी मत. अब इसका आर्मर अप आ गया है, कोशिश रहेगी कि मैं पैरी ना करूं. ओ गॉड, कोई नहीं. आई विल ट्राई टू किल हिम इन माय फर्स्ट लाइफ यूजिंग निक फ्यूरी ओनली, क्योंकि अगर सेकंड लाइफ पे मैं इसको लेके जाना चाहता नहीं. गाइज अगर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, नहीं पता तो आपने राइट वाले फिंगर से स्वाइप बैक करना अगर आपने नहीं सीखा अभी तक तो यू शुड डू दैट. क्योंकि इट्स वेरी एसेंशियल स्पेशली विद समवन लाइक ब्लैक पैंथर जो काफ़ी ज़्यादा ये आर्मर अप लाते रहता है. ये भी इग्नोर कर दिया मैंने. एंड आई एम गिविंग हिम अ स्पेशल 2. थैंकफुली वो अपने स्पेशल्स दिए जा रहा है एंड ही इज नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम. अब मैं उसको पैरी दे सकता हूँ क्योंकि उसका आर्मर अप बफ नहीं है. एक और दे सकता हूँ पढ़ाए. अब राइट हैंड से इवेड करो जब उसका आर्मर अप बफ आ जाए. मतलब राइट थम से बेसिकली निक फ्यूरी अगर आपको यूज करना नहीं आता तो कुछ नहीं करना होता. मीडियम लाइट 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 इट्स द इजीएस्ट टू प्ले विद निक फ्यूरी. कूल, एक बार वेट करते ही वो मान रहा है. ओके कम ऑन कम ऑन. आर्मर गया उसका, अब मैं पैरी कर सकता हूं और स्पेशल 2 देते हैं ऐसे. आ,
मेरी अभी भी एक लाइफ बची है, तो अगर वो मरेगा नहीं, पर मर गया गाइस फर्स्ट लाइफ पे निक फ्यूरी के। मैंने वन शॉट कर दिया ब्लैक पैंथर सिविल वॉरियर को, और एक्ट 5.3.5 भी ख़त्म हो गया गाइस। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया है। माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, बट आई बी सून अपलोडिंग मोर वीडियोज़। कोशिश करूँगा कि अबेस वाला वीडियो एज सून एज आई कैन स्टार्ट आई विल, एंड टिल देन हैव अ गुड डे। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फैमिली, शेयर इट विद योर अलायंस मेंबर्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye-bye.